हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एक हमारे पास इन्फिनिक्स का सेट आया है, इसको हम लॉक तोड़ना आपको सिखाएंगे सिंपली इजीली विदाउट पीसी, विदाउट कंप्यूटर, किसी भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ओनली वाईफाई की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें एक वाईफाई की ज़रूरत है जो हम अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हार्ड रिसेट इस प्रकार से करते हैं, वॉल्यूम प्लस और पावर की को दबाएंगे, उसके बाद इसका कुछ नोटिफिकेशन खुलता है। नोटिफिकेशन खुलने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से खुल गया। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, इस पावर की को दबाना है, वॉल्यूम प्लस और पावर की को दबा देना है। उसके बाद में डाउन जाना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पे जाना है, फिर इसके बाद फैक्ट्री रिसेट डाटा ओके कर देना है वॉल्यूम बटन से, वो सॉरी पावर की से। तो थोड़ा रुकिए, अब इसके बाद में ये फ़ोन ऑन होगा तो हम इसको सारी प्रोसेस इसके बारे में बताएंगे। चलिए थोड़ा ऑन हो रहा है, आप वेट कीजिए। ये इन्फिनिक्स का स्पार्क है, स्पार्क 4 है, 680 इसका मॉडल नंबर, इसके पीछे ब्रांडिंग लिखा हुआ है। तो चलिए ये फ़ोन ऑन हो गया, अब हम इस फ़ोन को FRP बाईपास कैसे करते हैं इसके बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक किए, आपको दिखा दूँ ये लॉक है कि नहीं है, नहीं तो आप कहोगे कि ये फ़ोन अनलॉक है, उसके बाद में आपने बताया है कि कैसे लॉक खुला, सिंपली तो मैं आपको दिखा दूँ। तो चलिए मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद में आगे की प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोन ऊपर में लॉक शो हो रहा होगा आपको लेफ्ट में, तो ये फ़ोन डोंट कॉपी कर देना है। डोंट कॉपी होने के बाद में कुछ प्रोसेस लेगा, डोंट कॉपी कर दिया मैंने। ये देख सकते हैं ये वेरीफाई पैटर्न मांग रहा है, ठीक है, तो ये वेरीफाई पैटर्न मांग रहा, तो मुझे ये पैटर्न मालूम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अगर पैटर्न होता तो मुझे खुल जाता है ईजिली। तो चलिए हम इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए अपने फ़ोन में कोई भी स्टेप्स को फॉलो करके आप इस फ़ोन को ईजिली से अनलॉक करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। आप पूरे बैकअप आ जाइए, सबसे पहले बैकअप होम पेज पे आ जाइए। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले यहाँ हमें लैंग्वेज चेंज करना है, हिंदी में कर लेना। ठीक है, लैंग्वेज को हिंदी में हम कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे होने के बाद में आपको सबसे नीचे जाना है, डोंट कॉपी पे चेक मार्क करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। कुछ अपडेट ले रहा है, अपडेट लेने दीजिए, फिर डोंट कॉपी करना है। डोंट कॉपी होने के बाद में वही सेम वेरीफाई, तो यहाँ नीचे क्लिक करेंगे। नीचे होने के बाद में आपको थोड़ा रुकिए, स्लो चल रहा है। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। नीचे टाइपिंग करने का ऑप्शन आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे एरो देख लीजिए, ये देख लीजिए, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर कर देना है, सबसे ऊपर मैंने क्लिक किया, आपने देखा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से टाइप करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में यहाँ से हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमें इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा, इस क्लिक करना है इस पर, उसके फिर इसमें इस पर लिखा आय मारा लिखा होगा, इस पर आप देख सकते हैं आय मारा लिखा है, इस पर मैंने सर्च किया, क्लिक किया आगे। इसमें कुछ दो ऑप्शन आपको खुलेंगे, ठीक है, दो ऑप्शन खुलने के बाद में आप थ्री डॉट पर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थ्री डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हेल्प एंड फीडबैक, तो उस पर क्लिक करेंगे, इस पर अपनी समस्या बताएं लिखा हुआ है, तो हम इस पर अपनी समस्या बताएंगे। इस पर हम कुछ करते हैं, ओनली एम लिखना है, एम लिखें, उसके बाद में इस पर आएगा, दूसरी स्टेप को ऑन करेंगे। ऑन किया मैंने तो यूट्यूब का ये कुछ आइकन खुल गया, इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट ये क्रोम ब्राउज़र खुल जाएगा। कुछ करना नहीं इसमें, डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र खुलेगा, कुछ टिप्स नहीं करना, ओके करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लेफ्ट में नो थैंक्स करना है,
राइट में नो क्लिक करना, नो थैंक्स करना। ओके, नो थैंक्स मैंने किया, ये मेरा सिंपली गूगल क्रोम ब्राउज़र खुल गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइनली अब यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ पे हमें लिखना है VN ROM। लिखने के बाद में हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आपको ये ऑप्शन शो होगा VN ROM का, तो सर्च हो जाने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वाले यहाँ पे लिखा होगा बाईपास गूगल अकाउंट 2022, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऑप्शन ऑन होगा गूगल का सिंपली, उसमें कुछ करना नहीं है। VN ROM का फुल वेबसाइट है, इससे इजीली और कोई वेबसाइट नहीं है। एक और वेबसाइट है फारवे फाइल, लेकिन हम ओनली VN ROM यूज़ करते हैं। तो इस पर हम नीचे जाएंगे, उस पर लिखा रहेगा एंड्रॉयड 8910 को डाउनलोड करेंगे। गूगल अकाउंट मैनेजर एंड्रॉयड 8910 ऐसा कुछ लिखा रहेगा, आप देख सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया तो थोड़ा नेट चल रहा है, चलने दीजिए। मैंने सारे तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। गूगल अकाउंट जो मैंने लिखा आप देख लिए पहले, उसके बाद इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले गूगल अकाउंट मैनेजर, उसके बाद में FRB फाइल इंस्टॉल करना है। FRB फाइल इंस्टॉल करने के बाद में सारे स्टेप मैंने पहले इसमें गूगल अकाउंट साइन इन करके आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद में आप इसको इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा FRP फाइल इंस्टॉल हो गया, इसको खोलते हैं। खोलने के बाद में आपको इस प्रकार से आइकन होगा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और ब्राउजर साइन इन करेंगे, क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ से अपना ईमेल आईडी, आप अगर याद है ईमेल आईडी आपको तो डाल सकते हैं, नहीं याद है तो यहाँ पर नया नीचे दिया हुआ बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये नया बनाने के लिए दिया है, इसमें यहाँ से मैं नया बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई डिफ़ॉल्ट नाम दे देता हूँ इसका, जिसे कोई भी नाम आप दे सकते हैं ईमेल आईडी का, आप बना रहे हैं तो आप कोई भी दे सकते हैं। तो हम मैं कोई डिफ़ॉल्ट आईडी बना रहा हूं, तो आप कंटिन्यू वीडियो प्लीज़। यहां पे मैं जीमेल आईडी डाल दे रहा हूं। थोड़ा रॉन्ग ईमेल आईडी था, मैंने गलत डाल दिया, कोई नया डालता हूँ, ऑलरेडी यूज हो रहा बता रहा है। इसका पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ, पासवर्ड सेम ही लगाना है, जैसे कोई 8 डिजिट का पासवर्ड डालते हैं आप, तो सेम ही दोनों में डालना है। तो ये मेरा कंटिन्यू हो रहा है, तो थोड़ा गलत हो गया, मैं लेटर बढ़ा दूं, चलिए सही हो गया। इसके बाद में अगला स्टेप आपको, हम ये अगले स्टेप पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये सिंपल था। अगला स्टेप मेन स्टेप है, ये मेरा आईडी बन चुका है, मेरी मोबाइल भी अनलॉक हो चुकी है, लेकिन ये अनलॉक आपका पूरा पूरा खुलेगा नहीं। इसे हमें ये आईडी बना रहे हैं इसी फ़ोन के लिए, जीमेल आईडी बनाया है, तो हमने ये डिफ़ॉल्ट इसलिए डाला है क्योंकि ये फ़ोन में केवल अनलॉक करने के लिए बना रहा हूँ। अनलॉक करने के बाद में आप ये आईडी चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो चलिए गूगल अकाउंट मैनेजर, यहाँ हमने एक नंबर डाला था, इस पर OTP गया। OTP जाने के बाद में यहाँ पे अपनी मेल सिलेक्ट कर सकते हैं, जन्मदिन कुछ जो भी डालना रहता है, सभी ईमेल आईडी आप बनाए होंगे, आपको जानकारी है। तो ये मेरा बन गया, ठीक है। बनने के बाद में हम ओके करते हैं और ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल अप, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, मैं सहमत हूँ, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद में ये देख लीजिए, प्रवेश किया जा रहा है लिखा है, तो प्रवेश हम कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है, क्विक शॉर्टकट मेकर को इंस्टॉल करना है। क्विक शॉर्टकट मेकर मैंने डाउनलोड किया था, तीनों एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे, फिर इसको खोलेंगे, ठीक है। तो खोलें, ओके कर देंगे, तो ये सिंपली मेरा, मेरे फ़ोन का जो मेन सेटिंग होता है, सेटिंग ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सेटिंग लिखना है,
कहाँ पे सेटिंग है, या तो आप नीचे के सारे एप्लीकेशन जो दिख रहे हैं उसको नीचे करके आप ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं सेटिंग लिख के ट्राई कर लूँ, आ जा रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। सेटिंग मैंने लिखा नहीं आया तो मैंने बैक कर दिया। चलिए सारा मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद में हम नीचे जाएंगे, अब सेटिंग को ढूंढेंगे, एस पे जाना है, ए बी सी डी ऐसे कुछ लिखा है, एस पे जाएंगे, एस पे सेटिंग मिला, आपको देख सकते हैं सेटिंग में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखें सेटिंग है, सेटिंग के लिए ट्राई नाउ पे करेंगे, ट्राई ट्राई पे क्लिक किया, उसके बाद मेन सेटिंग मेरा खुल गया है। मेन सेटिंग खुलने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे गूगल अकाउंट मैनेजर को, जो मैंने पहले डाउनलोड किया था उसे अनइंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे मैंने गूगल अकाउंट मैनेजर डाउनलोड किया था, आप देख सकते हैं ये मेरा सारा गूगल अकाउंट मैनेजर यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर आन दीजिए, यहाँ पे है गूगल अकाउंट मैनेजर, इसको हमें इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, केवल अनइंस्टॉल कर देना, बस ये हो गया, ये मेरा कंप्लीट फ़ोन अनलॉक हो गया है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, रीबूट कर देना फ़ोन को। तो थोड़ा मैं रिस्टार्ट करके आप लोगों को दिखा दूँ। कंटिन्यू रहिए, थोड़ा रिस्टार्ट हो जाए, हम आपको पूरा चला करके दिखा दें। ये फ़ोन मेरा रिस्टार्ट हो गया, अब लॉक हट गया है, अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम हिंदी भाषा को अंग्रेजी में सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी लैंग्वेज ऊपर है, अंग्रेजी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, सारे स्टेप को मैंने फॉलो कर लिया, सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया। यहाँ पे भी इसको चेक मार्क लगा के ओके, प्लीज़ चेक हो रहा, थोड़ा रुक जाइए। चेकिंग होने दीजिए, चेकिंग ही ले रहा है अभी। मैं इसका पूरा टोटली आपका ये जो जितना वीडियो देखे हैं थोड़ा सा और देख लीजिए, आपका मेहनत का फल दिखने वाला है। यहाँ पे कैन नॉट साइनिंग आ रहा, तो मेरा वाईफाई सेलेक्ट हो गया था बैक, तो वाईफाई मेरा कैसे कनेक्ट करिए, फिर से सेलेक्ट करेंगे, चेक मार्क किया, ओके किया, चेकिंग फॉर अपडेट्स आ रहा, उसके बाद इंस्टॉल अपडेट्स डोंट कॉपी जस्ट ए सेकेंड, अकाउंट एडेड है, आप देख सकते हैं अकाउंट एडेड आ गया। उसके बाद जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गूगल अकाउंट मैनेजर ऑन हो गया, ऑन किया मैंने, उसके बाद में इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद में थोड़ा एडिंग हो रहा है, मेरा अकाउंट जो इस फ़ोन से लिंक हो रहा है, तो आप देख सकते हैं एक्सेप्ट किया मैंने। उसके बाद में ये बोल रहा लॉक लगाना है कि नहीं लगाना है, तो मुझे नहीं लगाना, ओके किया, स्किप किया, यहाँ पे नीचे स्किप किया, स्किप किया, जस्ट ए सेकेंड, देख सकते हैं मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया। सिंपली केवल 3 एप्लीकेशन से विदाउट पीसी के साथ से मेरा ये फ़ोन अनलॉक हो गया है। इसका चार्ज मार्केट में 1000 रुपये तक का है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस छोटी सी वीडियो के ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रही। अगर आपका फ़ोन लॉक हो जाता तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इस फ़ोन को सिंपली कैसे अपने घर बैठे आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए, कमेंट में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।